Surfatom, Surfatom. प्लीज अंकल, सुहानी को कॉलेज जाने से मत रोकिए। उसकी पढ़ाई का एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। सुनिए जी, इसने जो कुछ भी किया हो, लेकिन रणवीर झूठ बोलने वाले लड़कों में से नहीं है। और वो तो स्टैम्प पेपर पे लिखकर भी दे रहा है। हमें सुहानी का एक साल बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें उसे रहने दो। अंश की बात से बिल्कुल सहमत हूं। जो लड़का शादी का कार्ड छपाकर शादी के मंडप में नहीं आया, उसके लिए ये स्टंप पेपर क्या वैल्यू रखता है? तुम जैसे इंसान पर दोबारा भरोसा नहीं कर सकता मैं। तुम्हारा गुस्सा गुस्सा नहीं है, पागलपन है, पागलपन। एक तो शादी के मंडप में तुम समय पे नहीं आए, और फिर जब आए तो पूरे मंडप को जला दिया तुमने। अंकल, उस बारे में हमने बात कर, मुझे कोई बात नहीं करनी है, कुछ नहीं सुनना है मुझे। जब तक तुम उस कॉलेज में हो, सुहानी कॉलेज नहीं जाएगी। गलती कर रहे हैं आप। और मैं आपको ये गलती नहीं करने दूंगा। सुहानी कॉलेज जाएगी मतलब जाएगी। इसी गुस्से की बात कर रहा था मैं, इसी गुस्से की बात कर रहा था मैं। हम बड़ों के सामने जब तुम गुस्से पे काबू नहीं रख पा रहे हो, तो कॉलेज में कैसे काबू रखोगे? वहां तो तुम्हें रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं है। देखिए अंकल, बस बहुत हो गया। और तुम कान खोल कर सुन लो, ये मेरा घर है, और मेरे घर में बिना मेरी मर्जी के अगर अगली बार कदम भी रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बदतमीज कहीं का, जाओ यहां से। मैंने कहा जाओ यहां से। वहीं रुक जा। तुम्हें किसी की कोई बात समझ क्यों नहीं आती है रणवीर? तुम पापा को बार बार परेशान कर रहे हो। जब उन्होंने कहा यहां से चले जाओ, तो यहां से चले क्यों नहीं जाते हो? प्लीज चले जाओ यहां से, प्लीज हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, प्लीज चले जाओ। Thank you.
जा रहा हूं, लेकिन इतना याद रखना सुहानी शर्मा, कोई चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन तुम्हें डॉक्टर बनने से नहीं रोक पाएगा। जल्दी करो सुहानी, आज डीन के ऑफिस में जाकर तुम्हारी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उन्हें बताना है कि तुम्हारा इस कॉलेज में एक साल का ब्रेक लगने वाला है और तुम आज से कॉलेज नहीं आओगी। अरे आज तुम्हारा लास्ट डे है कॉलेज में, जल्दी करो। और आज के बाद उस रणवीर की नौटंकी भी खत्म हो जाएगी। पापा का किया हुआ फैसला बदल नहीं सकती भगवान जी, पर आप तो भगवान हो ना, आप तो कुछ भी कर सकते हो। मैं अंश को अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो एक साल के मुझे कभी कॉलेज नहीं जाने देगा, और अगर मेरा सपना पूरा नहीं हुआ तो। अरे जल्दी आओ सुहानी। क्या हुआ अंश? पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा रही है अंदर। माँ आप अंदर जाके देखो, तब तक मैं बाहर वेट करता हूँ। ओके। सुहानी सुहानी अपने कमरे में भी नहीं, कहाँ चली गई है? सुहानी बेटा सुहानी, अंश अंश जल्दी यहां आओ। रणवीर का कुछ पता चला? क्या करूं मैं, उस लड़की ने अपना फोन भी सुबह से बंद करके बैठा है। कहां है रणवीर, कुछ पता चला उसका कि नहीं? मैंने उसे कहा था एटलीस्ट आज तो टाइम के पहले आ जाए। कल सेमिनार में मेडिकल काउंसिल के लोग आ रहे हैं एंड तुम हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आई होप तुमने इस डिस्कशन की पूरी तैयारी कर ली होगी एंड ऑफ कोर्स जो क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाने वाले उसकी भी लिस्ट तुमने बना ली होगी। एंड लिसन, कल के सेमिनार के लिए तुम्हें बिल्कुल भी लेट नहीं होना, ये हमारे कॉलेज के रेपुटेशन का सवाल है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। जॉन रघु कहाँ है रणवीर? पता नहीं सर, हमने नहीं देखा उसे सर, हम भी उसे ढूंढ ही रहे हैं। हाँ सर। सर रणवीर सुहानी को मेरे घर से उठाकर कहीं ले गया है। क्या? मुझे लगा कॉलेज आया होगा, लेकिन वो यहाँ पर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ओह गॉड, मेडिकल काउंसिल के लोग आ भी गए।
और इस लड़के का आता पता कुछ नहीं है। आई डोंट नो व्हाट टू टेल देम। एक काम करो, आई विल हैंडल देम। तुम लोग जाओ, किसी भी तरह रणवीर को पकड़ के लेकर आओ प्लीज। ओके सर। हेलो, वेलकम वेलकम। यार कहाँ ढूंढे यार रणवीर को, और कैसे पता चलेगा कि इस वक्त वो कहाँ है? भाई अगर आज रणवीर नहीं मिला ना तो डीन सर से लेकर के पूरा मेडिकल काउंसिल उसके अगेंस्ट हो जाएगा। काश काश आज स्पाई बहू हमारे साथ होती यार। स्पाई बहू? ये कौन है भाई? हमारा गेस्ट आ चुके हैं, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। Mr. Tripathi, where's the student? Sir, two more minutes, sir, please. Excuse me. ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड़का आज मेरी इंसल्ट करवा के ही रहेगा? कहाँ जा सकता है सोहनी को लेकर? Relax. आज तुमने कॉलेज में ह्यूमन ब्रेन की क्लास मिस कर दी है। बस वही तुम्हें यहाँ पढ़ाने लाया। पर पढ़ाई शुरू करने से पहले तुम्हें अपने ब्रेन को रिलैक्स करना होगा। टेक डीप ब्रेथ। रणवीर क्यों मेरी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहे हो? प्लीज जाने दो ना मुझे, प्लीज खोल दो ये दरवाजा। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर इंडिया की फ्यूचर बेस्ट डॉक्टर का करियर बर्बाद नहीं होने दूंगा। अगले 5 सालों तक भी मुझे तुम्हें इसी तरह पढ़ाना पड़ा तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम्हें इंडिया की बेस्ट डॉक्टर बनाकर ही रहूंगा। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह पढ़ाई पर फोकस करो। लेक्चर खत्म होने के बाद चाबी तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है? ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने घर में सबके सामने मुझे किडनैप किया, क्राइम है ये, तो केस बन सकता है। और वैसे भी आज सेमिनार में मेडिकल काउंसिल के सामने तुम्हें कॉलेज को रिप्रेजेंट करना था ना, इतना अच्छा मौका छोड़ के तुम यहाँ ये सब कर रहे हो? तुम मेरे लिए इतना अच्छा चांस क्यों मिस कर रहे हो रणवीर? अगर मैं तुम्हारी इन दोनों बातों का जवाब दे दूं तो क्या तुम पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करोगी? तुम्हारी पहली बात, मुझ पर केस बनेगा तो क्लास खत्म होने के बाद बनेगा। तुम्हारी दूसरी बात, सेमिनार में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस मैंने रात भर स्टडी करके डीन को मेल कर दी। अब क्वेश्चन मैं पूछूं या कोई और स्टूडेंट, क्या फर्क पड़ता है? अ क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन। लेकिन जो मैं यहां कर रहा वो सिर्फ मैं ही कर सकता। सो कैन वी कॉन्सेंट्रेट ऑन ह्यूमन ब्रेन? Human brain, complicated part of human body. Hello, Rishi. तो आज की तुम्हारी क्लास खत्म हुई।
अब तुम जा सकती हो। तुम लोग क्लास के लिए लेट हो गए हो, कल से टाइम पे आना। वहीं रोक। वैधानिक चेतावनी, कृपया मुझसे पंगा ना ले, क्योंकि मुझसे पंगा लेने वाले को जान का खतरा हो सकता है। क्लास तो अब तेरी लगेगी रणवीर, यू आर फिनिश्ड। डीन सर ने ऑफिस में बुलाया तुझे। मैं तुम्हारा नाम मेडिकल काउंसिल को ऑलरेडी भेज चुका था। तुम्हारी जगह तुम्हारे सवाल तो कोई भी पूछ सकता है, लेकिन तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। और वैसे भी सेमिनार के लिए जो तुमसे उम्मीद थी डिस्कशन की, वो तो हुआ ही नहीं। अरे क्या कहता मैं उन लोगों से कि हमारी कॉलेज का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट एक फर्स्ट ईयर की ब्रिलियंट स्टूडेंट को किडनैप कर ले गया और इसलिए नहीं आ पाया। यू थिंक रणवीर आई शुड हैव सेड दैट? सर, आपको मेरे बिहाफ पर किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो तुमने किया है रणवीर, उसके अगेंस्ट मुझे एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। ये सीधे सीधे पुलिस केस है। डू यू इवन रियलाइज दिस? तो एक्शन लीजिए सर, बुलाइए पुलिस को, करवा दीजिए मुझे अरेस्ट। सर ये कॉलेज का मामला है और मुझे लगता है इसे यहीं पर सॉल्व होना चाहिए। और वैसे भी पुलिस केस करने का कोई मतलब नहीं है, ये बड़े बाप की औलाद है, दो मिनट में इसको बेल मिल जाएगी। इसलिए इसे जो भी सजा देनी है यहीं सबके सामने दीजिए। रणवीर, कंसिडर दिस योर लास्ट वार्निंग, आखिरी मौका दे रहा हूं तुम्हें मैं। अभी के अभी सबके सामने अंश और सुहानी से अपने किए की माफी मांगो। ना सिर्फ ये, मेडिकल काउंसिल से जो शो का नोटिस आई है उसका भी जवाब तुम्हें अभी देना पड़ेगा, वरना। क्या हुआ सर, आप चुप क्यों हो गए? बोल दीजिए, वैसे भी आपके मुंह से मैं वो गोल्डन वर्ड सुनना चाहता हूं। वरना मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय तुम्हें रस्टिकेट करने के। बी क्लियर। इतनी सी बात सर, मैं जानता हूं मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, तो ना ही मैं किसी से माफी मांगूंगा और ना ही किसी नोटिस का जवाब दूंगा। आप एक्शन ले लीजिए सर। रणवीर क्या कह रहे हो तुम? तुमने जो कुछ भी किया उससे मैं नाराज हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें मैं तुम्हारा करियर बर्बाद करने दूंगी। वैसे भी तुम्हारे डॉक्टर बनने में एक साल ही बचा है। वैसे भी तुम्हारा रस्टिकेट होना तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यही ना कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। ठीक है, नहीं बनूंगा मैं डॉक्टर, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा सर। दीवार पे सर मार के कोई फायदा नहीं। गुप्ता जी, रणवीर ओबेरॉय का रेस्टिकेशन लेटर अभी के अभी बना के मेरे कैबिन में भिजवा दीजिए, राइट नाउ।